हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के नए चयनित शिक्षकों की समस्याओं के बारे में। काफी दिनों से मध्य प्रदेश के नए चयनित शिक्षकों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे लिए भी एक वीडियो बनाया जाए और उसमें हमारी समस्याओं को डिस्कस किया जाए। आज उनकी समस्याओं को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। हालांकि लगभग एक महीने पहले एक पोल क्रिएट किया था, जिसे पूछा था कि आपने अपनी यूनिक आईडी, एम्प्लॉय कोड और सर्विस बुक के लिए पैसे दिए हैं। लगभग 80% लोगों ने यहां पर पोल में यस वोट किया था कि हाँ, हमें पैसे देने पड़े हैं। तो देखा जाए तो यहां पर राज्य सरकार की विफलता का एक बहुत जीता जागता एक उदाहरण है, जो शो करता है कि मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट का जो रिलक्टेंस है अपने एम्प्लॉइज के प्रति, वो काफी ज्यादा दर्दनाक है। इसमें आज कई सारे मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक मुद्दा हर एक लेंगे। पहली बात तो यह है कि सैलरी का मामला है। तो सैलरी का मुद्दा क्या है? सैलरी का मुद्दा यह है कि मध्य प्रदेश में बेसिकली अभी नए चयनित शिक्षकों का वेटिंग लिस्ट जब क्लियर हुई, तो उसमें जो नए टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, चार महीने होने को आया है, उनका अभी तक एम्प्लॉय कोड नहीं बनाया गया है। एम्प्लॉय कोड बनाने का काम वहां के बाबू करते हैं, वो पैसे की डिमांड करते हैं और इसके चलते अभी तक एम्प्लॉय कोड नहीं बनाया गया और इसके कारण उनकी सैलरी नहीं आ पाई है। 3-4 महीने से टीचर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी सैलरी नहीं आई है। ऐसे बाबुओं को तत्काल सस्पेंड क्यों नहीं किया जाना चाहिए? राज्य सरकार इसमें, राज्य सरकार को एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए या सीएम को प्रॉपर एक वीडियो बनाकर, वैसे तो वीडियो बहुत सारे बनाते हैं, यहां पर भी उन्हें एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि ऐसे बाबुओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और कमाल की बात है, ऐसे बाबों के बारे में इंफॉर्मेशन वहां के संस्था प्रमुख को भी होती है, प्रिंसिपल को भी होती है। प्रिंसिपल को भी कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए कि प्रिंसिपल ने अभी तक उस बाबू के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिए। तो पहला तो हमारा मामला है सर्विस का मामला, सैलरी का मामला है कि ऐसे टीचर्स की सैलरी नहीं आई है। तो वहां के रिस्पॉन्सिबल जो क्लर्कल स्टाफ हैं, क्लर्क हैं, उनके उन पर क्या एक्शन लिए गए, इसकी इंफॉर्मेशन वहां के संस्था प्रमुख दें, प्रिंसिपल्स दें। यदि प्रिंसिपल यहां पर उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, तो उस कंडीशन में वहां के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेट करें, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेट करें, और यदि वो नहीं करते तो उनके ऊपर फिर राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो ये पहला मामला हुआ हमारा सैलरी का। नाउ अगला मामला है मिसबिहेवियर का। जब भी हमारे टीचर से कहना यह है कि जब भी हम कभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जाते हैं, बीओ ऑफिस जाते हैं या डीओ ऑफिस जाते हैं, तो वहां के क्लर्क अक्सर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। उनके सामने, उनके पास बात करने की कोई तमीज नहीं होती है कि उन्हें किस तरह से बात करना चाहिए। यदि आपको इसमें शक हो मेरी बात में, तो आप खुद भी बीओ ऑफिस और डीओ ऑफिस जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर विजिट करिए, स्टिंग ऑपरेशन करिए, एक छोटा सा वीडियो बनाइए उन्हें पता ना चले, और उस वीडियो में देखिए कि वो बाबू आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट बाबुओं को बिहेवियर सिखाने के लिए क्लास चलाए, जिस तरह से हमारे यहां सभी के लिए क्लास चलती है, प्रौढ़ शिक्षा चलती है, वैसे बाबुओं के लिए भी प्रॉपर क्लास चलना चाहिए कि जब भी कोई आपके पास कोई काम के लिए आए तो आपको किस तरह से बिहेव करना है। एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट दैट, अदरवाइज उस ऑफिस में बैठने का उनका कोई हक नहीं है। थर्ड थिंग दैट इन्वेस्टिगेशन, हमारे राज्य का इन्वेस्टिगेशन बहुत कमजोर है। ऐसे लोग जो करप्शन के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे बाबू जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। देखा जाए तो ऐसे बाबू जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी तेजी से बढ़ रही है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं राज्य में करप्शन आने वाले कल में और भी बढ़ेगा, और जिस राज्य में करप्शन बहुत ज्यादा होता है उस राज्य में आने वाले कल में बहुत बड़ी समस्याओं का कहर आने वाला है, ये आप मन में बना के रखिए। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी हमारे राज्य सरकार का बहुत कमजोर है। सस्पेंशन के मामले में इक्के दुक्के सस्पेंशन आते हैं, उसमें राज्य सरकार जो है वाहवाही लूटने के लिए अपने ट्विटर या फेसबुक अकाउंट में उस चीज को पोस्ट करती है, लेकिन असल देखा जाए ग्राउंड लेवल पे बहुत ही घोर करप्शन हो रहा है। बाबू जो है करप्शन में बहुत ज्यादा लिप्त पाए गए हैं। बाबुओं को बचाने के लिए संस्था प्रमुख, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और यदि उनकी इन्फॉर्मेशन ऊपर बीओ ऑफिस में चली भी जाती है तो भी कोई एक्शन नहीं लेता। इवन बीओ ऑफिस के बाबू भी कई बार करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं और वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सस्पेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और सबसे लास्ट में आता है स्टिंग ऑपरेशन। राज्य सरकार को चाहिए कि यहां प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन कराए जाएं, प्रॉपर वीडियोस बनवाए जाएं, हर एक डीओ, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या ब्लॉक ऑफिस में जो एजुकेशन ऑफिस हैं वहां पर स्टिंग ऑपरेशन कराया जाए कि बाबुओं का बिहेवियर कैसा है या वहां के अधिकारियों का बिहेवियर कैसा है, उसका स्टिंग ऑपरेशन कराया जाए कि किस तरह से लोगों के साथ समस्याएं को डील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों के साथ वो बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और इसकी कानूनी इन्फॉर्मेशन भी अपर अथॉरिटी को नहीं है। तो यहां पर प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए, तब जाके राज्य का जो तंत्र है उसको मजबूत किया सकता है। एनीवे डिस्कशन को इस वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या और कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस ओपिनियन जरूर शेयर करें और साथ में इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले कि राज्य में शिक्षा विभाग में भी बहुत ही ज्यादा खामियां हैं जिसमें बहुत ही बड़े बदलाव की जरूरत है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए जिससे हमारे जो राज्य के शिक्षा मंत्री जी हैं उनको भी तो पता चले कि राज्य में क्या चल रहा है। तो डिस्कशन के इस वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षक मित्र जिनको समस्याएं हैं उनके लिए प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है लर्न सर्विसेज टीचर, आप उसे ज्वाइन करें। जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप वहां भी आके पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। आपके दर्द के लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जनता तक हम जरूर लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो फ्रेटर्निटी हमारे साथ में है, बिकॉज वी आर टीचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट जो आप बनने वाले हैं, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वन ऑफ दी गुड पोजिशन में है, उनको भी चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें। तो डिस्कशन कभी इस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। That's all. Thank you.